हेलो एवरीवन, दिस इज एरोके एंड वेलकम बैक टू द चैनल एरो गेमिंग। तो आज की वीडियो होने वाली है बेस्ट पेट कॉम्बिनेशन फॉर रैंक पुश एंड टूर्नामेंट्स, एंड कैसे यूज करना है ये पेट कॉम्बिनेशन को, वो सब इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर देना, जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं पेट्स की जो कॉम्बिनेशन में यूज होने वाले। फर्स्ट पेट है फैल्को। फैल्को का यूज़ तो मस्ट है, बिकॉज अगर फैल्को नहीं होगी तो गेम ओवर हो सकता है आपका लैंड होने से पहले ही। सो ऑब्वियसली वो तो कोई नहीं चाहेगा। सेकेंड पेट है बीस्टन। तो गाइज ये पेट एक गेम चेंजर है, बिकॉज इस पेट का यूज करके आप ओपोनेंट पे सेफ डिस्टेंस से नेट करके उसको नॉक कर सकते हो। इसका प्रॉपर यूज अभी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट पेट है बैगर। सो मुझे लगता है ये फ्री फायर में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पेट है, बिकॉज वॉल्स किसको नहीं चाहिए होती हैं खुद का डिफेंस करने के लिए। सो अगर एक फुल मैप मैच में सेकेंड लास्ट जोन तक सर्वाइव करोगे तो टोटल एक प्लेयर 10 वॉल्स बना सकता है। सो अगर आप सोलो खेलते हो तो फैल्को मस्ट है, एंड एक प्लेयर को वैसे भी मिनिमम 3-4 वॉल्स मिल जाती हैं सोलो में। और बात करें अगर डुओ की तो एक प्लेयर फैल्को लेगा एंड सेकेंड प्लेयर वैगर लेगा, बट आपका फिक्स्ड लैंडिंग स्पॉट अगर ऐसा है जहाँ पर लूट बहुत ज़्यादा होती है लाइक सेंटोसा ऑब्जर्वेटरी, देन वैगर इतना यूजफुल नहीं रहेगा। एंड वेंडिंग मशीन से भी वॉल्स मिल जाती हैं तो वैगर से रिप्लेस कर सकते हो बीस्टन को। अगर आप ऐसी जगह पे लैंड करते हो जहाँ पे लूट इतनी ज़्यादा नहीं होती है तो वहाँ पे आपको वैगर यूज़ करना ज़रूरी है। फैल्को, वैगर एंड बीस्टन का कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है स्क्वाड में। सो लैंडिंग के लिए कोई भी एक प्लेयर फैल्को लेगा, एंड जो रिमेनिंग 3 प्लेयर्स हैं वो बीस्टन एंड वैगर का कॉम्बिनेशन अपने प्लेइंग स्टाइल के हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपका प्लेइंग स्टाइल रश है तो 2 प्लेयर्स वैगर लेंगे एंड 1 प्लेयर बीस्टन। सो जब रश होगा ओपोनेंट पे तो बीस्टन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि क्लोज रेंज में जब फाइट होती है तो आप ओपोनेंट के व्यू में रहकर नेट करोगे तो वो इजीली उसको डिफेंड कर लेगा। इवन आप नेट कुक करके थ्रो करोगे तब भी, क्योंकि जो नेट कुक का साउंड होता है वो ओपोनेंट सुनकर क्रोनो ऑन कर देगा या फिर वॉल लगा लेगा। सो जैसा आप वीडियो में देख सकते हो कि मेरे प्लेयर क्लोज रेंज में फाइट ले रहे हैं एंड मैंने एक सेफ डिस्टेंस से नेट कुक करके थ्रो करा बीस्टन की हेल्प से, एंड नेट सीधा ओपोनेंट के पास गया एंड सब नॉक हो गया। अगर आपके नेट से 100 HP भी कम हो जाती है ओपोनेंट्स की तो आपके प्लेयर्स को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी उनको नॉक करने में। बीस्टन के हेल्प से कैम्प कर रहे ओपोनेंट्स का डिफरेंट हाउसेस में सरप्राइज नॉक निकाल सकते हो। जैसा आपने देखा ब्लैक हाउस में प्लेयर्स टॉप से नेट का आना एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। सो अगर प्लेइंग स्टाइल रश है तो बीस्टन गेम चेंजर का रोल प्ले कर सकता है। एंड वो 2 प्लेयर्स जिनके पास वैगर होगा उनको वॉल्स अपने 2 प्लेयर्स को देते रहना होगा, जिससे उनकी लगातार वॉल्स बनती रहे। अगर आपका प्लेइंग स्टाइल डिफेंसिव है तो एक प्लेयर फैल्को एंड 3 प्लेयर्स वैगर ले सकते हैं, क्योंकि डिफेंसिव प्लेइंग स्टाइल में वॉल्स ज़्यादा चाहिए होती हैं एंड लॉन्ग रेंज फाइट्स ज़्यादा होती हैं तो वहाँ पे नेट का ज़्यादा रोल नहीं होता है। बट मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि 4-5 वॉल्स भले ही कम हो बट फाइट्स आप ओपोनेंट से इजली जीतो। वॉल से आप डिफेंस कर सकते हो अपना बस, बट सिर्फ डिफेंस से ही काम नहीं चलेगा, आपको सरप्राइज अटैक करना पड़ेगा एंड वो पॉसिबल है बीस्टन से। जितना ही डिफेंसिव गेम प्ले क्यों ना कर लो अल्टीमेटली आपको क्लोज रेंज फाइट्स तो लेना ही पड़ेगा लास्ट के जोन्स में। बेस्ट कॉम्बिनेशन पेट्स का स्क्वाड में यही है, एक फैल्को, 2 वैगर एंड 1 बीस्टन। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आपने कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, उसको जाके देखना। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, साइनिंग ऑफ।